उन्नाव पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान किया 60 लाख रुपए बरामद। पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना दही पुलिस व फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा रोडवेज वर्कशॉप मोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक इनोवा कार को रोका गया। गाड़ी नंबर UP 78 CA 7450 को रोका गया तो उसमें रामदुलारे निवासी गंगानगर शुक्लागंज गिरीश कुमार राहुल दीक्षित देशराज सिंह यह सब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में एक सफेद रंग की प्लास्टिक के बोरे में 60 लाख रुपए जिसमें 500 के नोट 20 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और थाना पुलिस दही के द्वारा रुपए के बारे में पूछताछ की जा रही है। बरामद करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष दही राघवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक विनोद कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, कनिष्ठ विल गौरव कुमार, कांस्टेबल इमरान मोहम्मद अरशद, मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक राम बाबू द्विवेदी, कांस्टेबल दीपू कमल, कांस्टेबल प्रदीप मौर्य, श्याम सुंदर फोटोग्राफर आदि पुलिस टीम रही। प्रदीप अवस्थी, क्राइम रिपोर्टर, उन्नाव। दिनांक 3/2/2021 को थाना दही के अंतर्गत थाना प्रभारी दही के द्वारा वर्कशॉप मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया। चेकिंग में उसमें से लगभग 60 लाख रुपए बरामद हुए। इस संबंध में फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट को तत्काल मौके पर बुलाकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की।